गाइस, अभी मैं इंस्टाग्राम की डीएम चेक कर रहा था जिसमें मुझसे किसी ने पूछा कि भाई मुझे सुबह वर्कआउट करना चाहिए कि शाम को वर्कआउट करना चाहिए, और आप किस वक्त वर्कआउट करते हो। सो मैंने सोचा यार ऐसे क्वेश्चन तो मेरे पास यूट्यूब पर भी काफी बार आ चुके हैं, तो मुझे वीडियो बना देना चाहिए इस टॉपिक पर। सो मैं आपके सारे मिथ क्लियर करने वाला हूँ कि मॉर्निंग में वर्कआउट करने के क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है, और इवनिंग में करने के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, वी विल बी बैक। Hey, what's up guys? This is Yash Anand back again with another video. So guys, this video को start करने से पहले अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया हुआ है, किस बात की देरी यार, red color के button पर क्लिक करके subscribe कर दीजिए, और साथ ही साथ उस bell icon जरूर क्लिक कर देना जिससे हमारे आप कोई video miss नहीं करेंगे। So guys, right now I'm here in Manali and you can see the weather. तो सबसे पहली बात, आप कभी भी वर्कआउट कर सकते हैं। आपको कौन सा टाइम सूट कर रहा है ये आपको देखना होगा। जैसे मैं पहले मॉर्निंग वर्कआउट किया मैंने काफी टाइम तक, और मैं अभी एक साल से इवनिंग वर्कआउट कर रहा हूँ। मॉर्निंग में वर्कआउट करने के अपने अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, और शाम को वर्कआउट करने के अपने अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टाइम सूट कर रहा है। जैसे अगर आप इवनिंग वर्कआउट कर रहे हैं, आपकी जिम काफी बार मिस होती रहती है। जैसे आपको कभी अपने दोस्तों के साथ जाना होता है, कभी गर्लफ्रेंड के साथ जाना होता है, किसी फंक्शन में जाना है, फैमिली फंक्शन वगैरह, फैमिली को टाइम देना है, इस तरीके की वजह से अगर आपकी जिम स्किप होती रहती है तो आपको सुबह वर्कआउट स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि आपको कोई सुबह कॉल नहीं करेगा, सुबह परेशान नहीं करेगा कि यार यहाँ पर जाना है वहां पर जाना है, कभी भी कोई भी कॉल नहीं आएगा सुबह सुबह आपके पास, और आपका दिन जो शुरू होगा वो जिम से शुरू होगा। इसलिए आपका पूरा दिन एक्टिव रहेगा, आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा, क्योंकि आपका दिन की जो शुरुआत है वो जिम से होने वाली है। बट अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं हो, आपको लेट उठने की आदत है, तो मॉर्निंग वर्कआउट आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप बीच नींद में से उठोगे क्योंकि आपको लेट उठने की आदत है, और आप वर्कआउट करने जाओगे तो आप काफ़ी थका थका फील करोगे। इसके लिए आपको हैबिट डालनी पड़ेगी 15-20 डेज और या वन मंथ तक आपको थका थका फील होगा, क्योंकि आपकी बॉडी को उसको मतलब जो रूटीन है उसको अपनाने में टाइम लगेगा। बट अगर आपकी काफ़ी ज़्यादा स्किप हो रही है तो आपको मॉर्निंग का जो रूटीन है वो अपना लेना चाहिए, जिससे आपकी जिम स्किप ना हो और आपका दिन काफ़ी अच्छा जाएगा। एंड इवनिंग का एडवांटेज है, अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं तो आप, क्योंकि 3-4 मील ऑलरेडी ले चुके होते हैं अगर आप इवनिंग वर्कआउट करने जा रहे हैं, तो आपका जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी रहेगी, आप अच्छे से हैवी लिफ्ट कर पाओगे। क्योंकि मैं जब भी, अगर मेरी शाम को जब जिम स्किप हो जाती है और मुझे सुबह करना होता है, तो मैं उतना एफर्ट नहीं लगा पाता हूँ, अपना 100% नहीं दे पाता हूँ जितना मैं शाम को देता हूँ। क्योंकि शाम को मैं बहुत अच्छे से लिफ्ट कर पाता हूँ, शाम को अपना 100% या 110% देता हूँ। बट मॉर्निंग में थोड़ा थका थका सा फील होता है, क्योंकि मैं मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे सुबह लेट उठने की आदत है, और जब कभी मुझे वर्कआउट शाम को मिस होता है और मुझे सुबह जाना होता है तो सुबह थका हुआ फील होता है हल्का हल्का सा। बट ये कि अगर मॉर्निंग में आप बहुत टाइम तक जाते रहेंगे, लाइक 15-20 डेज 1 मंथ तक, तो आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी मॉर्निंग वर्कआउट करने की, फिर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो आपके लिए मॉर्निंग वर्कआउट ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आप एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करेंगे, और अगर मसल बिल्डिंग कर रहे हैं तो आपको शाम को वर्कआउट करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 3-4 मील्स ले चुके होंगे जिससे आपके अंदर एनर्जी लेवल हाई रहेगा। बट ऐसा नहीं है कि शाम को ही मसल बिल्ड होते हैं और सुबह ही फैट लॉस होता है, सुबह भी मसल बिल्डिंग होती है और शाम को भी फैट लॉस करते हैं लोग। मैं जब मॉर्निंग वर्कआउट कर रहा था तब भी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, और जब मैं सुबह अभी शाम को वर्कआउट कर रहा हूँ तब भी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। सो ऐसा कुछ नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टाइम सही लगता है, आप किस टाइम वर्कआउट करना ज़्यादा सही आप लोगों के लिए। आदत डालनी होगी, लेकिन अगर आप अपना रूटीन चेंज भी कर रहे हैं, अगर आप इवनिंग में करते हैं और सुबह जा रहे हैं, और सुबह करते हैं और शाम को जा रहे हैं, कि आप अपने मुझे बेटर प्लान बनाने के लिए कि आपका सही रहे, आप सही से स्किप ना हो आपकी जिम, सो कुछ टाइम लगेगा और उसके बाद आपकी बॉडी उस रूटीन को अपना लेगी। तो बट ये कि मैं पहले जब मॉर्निंग वर्कआउट करता था तो एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम रहता है मेरा, जबकि शाम को एनर्जी लेवल हाई रहता है, और पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो इसलिए मैं इवनिंग प्रेफर करता हूँ अपने लिए ज़्यादा, और जो भी मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, और अगर शाम को आप जिम जा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो आप शाम को जिम जाना चाहिए, और फैट लॉस जो लोग कर रहे हैं वो सुबह जिम जा सकते हैं। सो मॉर्निंग पर्सन मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, मैं अगेन बता रहा हूँ, और जो लोग भी मॉर्निंग पर्सन नहीं है वो शाम को अगर जिम जा सकते हैं तो इट इज़ गुड फॉर यू। और अगर आप लोग सुबह लेट उठने की आदत है और फिर भी और शाम को वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, तो
तो आप लोगों को अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा। 15-20 डेज लगेगा आपको थोड़ा सा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दी उठ के जा रहा हूँ, थका थका सा फील हो रहा है, बट उसके बाद आपकी बॉडी उस रूटीन को अपना लेगी। सो आई होप आप लोगों की हेल्प की होगी मेरी इस वीडियो ने, एंड आपको समझ आ चुका होगा कि आपको कब वर्कआउट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, और इस तरीके के प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। और मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये यूज़र नेम दिया हुआ है, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं, मैं आपसे बातें कर सकता हूँ, आप मैं लाइव आता रहता हूँ, आप मेरे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो गोल्डन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना जिससे कोई वीडियो मिस नहीं करेगी। लव यू ऑल, पीस।